नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी की वीडियो है अलग से। इसके बाद हम डिफरेंट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंक्लूड करेंगे ओवरऑल हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन, और इसके साथ ही हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जल्दी ही डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही आपके पास दी गई है। सबसे पहली ऑप्शन जो है वो है लाहौल मीन्स नॉर्दर्न कंट्री। स्टेटमेंट बी जो है वो है इन लोकल लैंग्वेज तिब्बतींस कॉल्ड लाहौल एज गारजा। लोकल लैंग्वेज में जो है वो तिब्बतींस लाहौल को गारजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर्स ऑफ लाहौल आर कॉल्ड जो। देखिए ये तीसरी स्टेटमेंट है आपके पास। देखिए अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाए तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ही आपके पास सही ऑप्शन दी गई हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी बिल्कुल सही आपके पास हैं। देखिए लोकल लैंग्वेज में जो है तिब्बतन लोग जो है इसे कहते हैं गारजा, और गारजा का मतलब क्या होता है? गारजा का मतलब होता है एक अज्ञात देश, अननोन कंट्री भी इसे आप कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठाकुर ऑफ लाहौल आर जो, लाहौल्स के जो ठाकुर होते हैं उनको जो कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास बिल्कुल सही दी गई हैं। अच्छा अब स्टेटमेंट वन की बात करते हैं, स्टेटमेंट ए की बात करते हैं। लाहौल्स मीन्स नॉर्दर्न कंट्री। लाहौल्स का मतलब होता है एक दक्षिणी देश, दक्षिणी देश मतलब साउदर्न कंट्री। तो याद रखिए लाहौल्स का मतलब होता है साउदर्न कंट्री। तो ये तीन स्टेटमेंट थी आपके पास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो यहाँ से आपके ये तीन डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं लाहौल स्पीति से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर टू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्बर रिवर राइजेज फ्रॉम, पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पब्बर नदी कहाँ से निकलती है। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदर नाहन झील। चंदर नाहन झील से निकलती है पब्बर नदी, ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा अब ये चंदर नाहन झील कहाँ पर है? ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। डिस्ट्रिक्ट शिमला में मैंने आपको बताया था कि दो ही झीलें हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो है चंदर नाहन झील और दूसरी है तानो जुब्बल झील। अच्छा और पब्बर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अब यमुना के बारे में जब बात हुई है तो यमुना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी, और यमुना का जो ओरिजिन होता है वो होता है यमुनोत्री गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड से। यमुना की सहायक नदियाँ हैं टोंस, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, जलाल, असनी, पतसरी, मारकंडा। और यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, और यमुना जो है वो खादर मांझली नामक स्थान पर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर कर जाती है। ये हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। पतसरी रिवर जो है वो राइज करती है खरा पत्थर के समीप, और ये लीव्स कर जाती है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को ताजवाला के समीप, और ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। टोंस नदी जो है एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में। टोंस नदी यमुना को कलसी के समीप ज्वाइन करती है, और बाटा नदी जो है उसका ओरिजिन होता है दराती रेंज से। इतना बेसिक सा आप याद रखिए यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, तत्तापानी इज लोकेटेड ऑन दी राइट बैंक ऑफ। तत्तापानी जो है वो कौन सी नदी के राइट बैंक पर स्थित है? तत्तापानी जो है वो सतलुज नदी के राइट बैंक पर स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तत्तापानी सतलुज नदी के राइट बैंक पर स्थित है। अच्छा तत्तापानी की बात हुई है तो तत्तापानी के बारे में एक बार क्वेश्चन एलाइड के एग्जाम में पूछा गया था। तत्तापानी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखें। और अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो ये तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा जो है वो सबमर्ज हो चुका है कोल डैम प्रोजेक्ट में। तो ये बेसिक्स आप याद रखिएगा, तत्तापानी गर्म पानी के चश्मे में ये मंडी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर है, द रिवर सतलज नोन एज लंगछेन खम्बा इन। रिवर सतलुज को लंगछेन खम्बा नाम से जाना जाता है, तो इसको कहाँ पर इस नाम से जाना जाता है? रिवर सतलुज को जो है वो लंगछेन खम्बा नाम से जाना जाता है। अब कुछ चार ऑप्शन दी गई हैं, ऑप्शन डी तिब्बत जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए एक तो इसे जाना जाता है तिब्बत में इस नाम से, और दूसरा किन्नौर में भी इसे लंगछेन खम्बा नाम से ही जाना जाता है। अच्छा अब डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में इसे अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो झंडती, मुकसंड, संडपो, सोमोद्रंड नाम से इसे जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में इन नामों से इसे जाना जाता है रिवर सतलुज को। अच्छा सतलुज नदी के बारे में तो हम डिस्कस करते रहते हैं, अब डिस्कस करेंगे कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की पांच नदियां जो हैं वो कितना एरिया जो है वो कवर करती हैं, कितना कैचमेंट एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में उनका है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं उसको। देखिए सतलुज नदी की बात करें तो 20,000
किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली एरिया ये कवर करती है, और ब्यास जो है वो 13,663 एरिया करती है, चेनाब 7,850 स्क्वायर किलोमीटर करती है, यमुना 2,320 स्क्वायर किलोमीटर करती है, और रावी जो है वो करती है 5,528 स्क्वायर किलोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट में दिया गया है, कहीं जगह आपको थोड़ी सी वेरिएशन इसकी मिल सकती है, परंतु जो अप्रॉक्सीमेट में आप याद रखें कि 5,000, 2,000, 7,000, 13,000 और 20,000, इस तरह से आप इसका कैचमेंट एरिया भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोपा वैली इज सिचुएटेड इन, रोपा वैली कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन दी गई हैं, रोपा वैली जो है वो स्थित है किन्नौर में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, रोपा वैली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। अच्छा, अभी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो है वो टोटल एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश का 6,401 स्क्वायर किलोमीटर, 11.50% एरिया जो है ये कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर किन्नौर का गठन अलग जिले के रूप में होता 1 मई 1960 को। कामरू फोर्ट सपनी फोर्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, हांगरंग वैली किन्नौर में है, सांगला वैली किन्नौर में है, रोपा वैली किन्नौर में है। लास्ट विलेज इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो है वो है चितकुल विलेज, जिसकी हाइट है 11,319 फीट। और आमिंग टेम्पल किन्नौर में है। चंपा चाशीम फेमस डांसेज हैं किन्नौर के। किन्नौरी लैंग्वेज में गांव को कहा जाता है देशांग, और कामिलागा दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। और तिब्बतियंस के द्वारा किन्नौर को कहा जाता है खुन्नू, लिप्पा, जांगी, चांगो, कन्नम, ये मोनेस्ट्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। पराशला पीक किन्नौर में है। स्वरंग लेक नाको लेक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ये बेसिक्स आप याद रख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्नो एवलांचे स्टडीज एस्टेब्लाइजमेंट इज सिचुएटेड इन, स्लो एवलांचे स्टडीज एस्टेब्लाइजमेंट कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये स्थित है मनाली में। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ये मनाली में स्थित है स्नो एवलांचे स्टडीज एस्टेब्लाइजमेंट। अच्छा, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। DRDO का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, तो DRDO का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो थी वो 1958 में हुई थी। इसका मोटो जो है वो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन दी साइंस, बलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में से कहते हैं स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन दी साइंस। तो ये बेसिक्स आप DRDO के बारे में याद रखिए। अच्छा, अब मनाली की बात हुई है, तो मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। मनाली में एक और इंस्टीट्यूट स्थित है जिसका नाम है माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसको अब जाना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, तो ये भी मनाली में स्थित है। इतना बेसिक्स आप इन दो क्वेश्चंस के बारे में याद रखिए, एक तो DRDO हो गया, स्नो एवलांचे स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट हो गया, और एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हो गया। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, इनकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रीडर टू स्नो लेपर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा था। आपको चार ऑप्शन दी गई हैं, तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मस्क डियर जो था वो हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड से पहले स्टेट एनिमल था। अच्छा, स्टेट एनिमल की बात हुई है, तो प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, और इसके साथ आप याद रखिए कि पाकिस्तान का ये नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है, तो स्नो लेपर्ड पाकिस्तान का नेशनल हेरिटेज एनिमल है। और देखिए, ये जो है वो 12 कंट्रीज में पाया जाता है। वो 12 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो हैं अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और अगर चाइना की हम बात करें, तो चाइना जो है वो 60% स्नो लेपर्ड जो है वो चाइना में ही पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिए स्नो लेपर्ड के बारे में। देखिए, स्नो लेपर्ड से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 12 कंट्रीज़ में ये पाया जाता है, और चाइना में जो है वो 60% स्नो लेपर्ड जो है वो पाए जाते हैं इन 12 कंट्रीज़ में से। और पाकिस्तान का ये नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। इतना बेसिक्स आप याद रखिए स्नो लेपर्ड के बारे में। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन रह गया, वो था ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम जो थी वो कब हुई थी। तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम जो थी वो हुई थी 2013 में। ये बेसिक से क्वेश्चन है स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, करोल केव इज बिलीव्ड टू बी बिल्ट बाय पांडवाज इन इज सिचुएटेड एट, करोल गुफा जो है वो माना जाता है कि पांडवों के द्वारा बनवाई गई थी, ये गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन दी गई हैं,
तो करोल गुफा जो है वो सोलन में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है करोल गुफा। अगर करोल टिब्बा पूछा जाए कि करोल टिब्बा कहाँ पर है, तो करोल टिब्बा भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही पड़ता है। तो बेसिक्स आप करोल टिब्बा के बारे में याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात हुई है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में भी कुछ बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हो गया मोहन हेरिटेज पार्क, ये कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और एशिया का सबसे ऊंचा टेम्पल जो है शिव टेम्पल कहाँ पर है, तो एशिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल जो है वो है जतोली, डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। जतोली टेम्पल जो है वो एशिया का सबसे ऊंचा टेम्पल माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है नौनी यूनिवर्सिटी, जिसे डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो 1985 में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है लॉरेंस स्कूल, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली के लॉरेंस सनावर में स्थित है। इस स्कूल की स्थापना 1847 में हुई थी। और देखिए डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, जहाँ पर पागल कुत्तों के काटने का इंजेक्शन जो है वो बनाया जाता है। तो इतना बेसिक्स आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि दो क्वेश्चन हम हर एक जियोग्राफी के वीडियो में हिस्ट्री के भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देलर ठकुराइन वॉज फाउंडेड बाय, देलर ठकुराइन की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन है, तो देखिए देलर ठकुराइन की स्थापना जो थी वो की गई थी राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा। यहाँ पर राजा पृथ्वी सिंह होगा, काइंडली करेक्ट कर लें। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखिए पृथ्वी सिंह ने देलर ठकुराइन की स्थापना की थी। अब इस ठकुराइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए पृथ्वी सिंह ने इसकी स्थापना की थी और 1815 ईस्वी में इस रियासत को बुसहर की जागीर बना दिया गया था। और देलर ठकुराइन जो है वो 15 अप्रैल 1948 को बुसहर में मिल गई थी। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये रामपुर तहसील में पड़ती है देलर ठकुराइन। तो ये बेसिक्स आपको देलर ठकुराइन के बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भागल ठकुराइन वॉज फाउंडेड बाय, भागल ठकुराइन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए भागल एक इंपॉर्टेंट ठकुराइन है और इस ठकुराइन के बारे में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। देखिए भागल ठकुराइन जो है इसकी स्थापना राजा अजय देव ने की थी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, भागल ठकुराइन की बात हुई। देखिए भागल ठकुराइन की अगर राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी, इसकी राजधानी अर्की में स्थित थी। 1643 में राजा राणा सभाचंद के द्वारा जो था वो अर्की की स्थापना की गई थी। और जिस समय गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो उस समय भागल के जो राणा थे उनका नाम था राणा जगत सिंह, ये भागल के राणा थे। और देखिए भागल जो थी वो 1803 से लेकर 1815 तक जो थी वो गोरखाओं के नियंत्रण में रही थी। और अर्की को जो था वो गोरखाओं ने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। और जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भागल के जो राणा थे उनका नाम था राणा किशन सिंह। और राणा किशन सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी और इसके लिए अंग्रेजों ने इन्हें 1860 ईस्वी में राजा का खिताब भी जो था वो दिया था। इतना बेसिक्स आप भागल रियासत के बारे में भी याद रखिए, भागल ठकुराइन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ठकुराइन है जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके लिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड मिसमैच, इनमें से आपको जो सही दिया गलत दिया गया है वो फाइंड करना है। देखिए चार ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, कुमारवाह लेक जो है वो मंडी में है, महाकाली लेक चंबा में है, द्योरी लेक कुल्लू में है और सुखसार लेक शिमला में है। जो भी आपको लगता है कि एग्जैक्टली मैच नहीं किया गया है उसको आप कमेंट करके बताइए, मिसमैच जो है उसको आप कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।